वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। कैसे आप लोग? मैं बहुत बढ़िया। तो कमेंट भी तो राम राम दिल से कनेक्ट फील होता है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ जिनको थार में इंटरेस्टेड है, क्योंकि दोस्तों अब थार महिंद्रा की तरफ से ना ईवी आने वाली है। तो नो मोर आईसी थार, पर हाँ जो आईसी प्लेटफॉर्म पर थी थार, वही थार अब सेम टू सेम थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ वो वाला लुक दिया गया है थार को अब, जो कि एसयूवी प्लेटफॉर्म पर बनी है कम्प्लीटली, तो बड़ी भी रहने वाली है और काफ़ी सारे इंटीरियर चेंजेस ऑफ कंप्लीट एक रिवैम्प गाड़ी निकाली है कंप्लीट रिवैम्प चेंजेस के साथ। पर जैसे कि थार ईवी है, इलेक्ट्रिक कार है बेसिकली, तो यहाँ पर रेंज की बात तो होने वाली है। तो रेंज यहाँ पर हमें मिलने वाली है 400 किलोमीटर विद दी लार्जर बैटरी पैक। बैटरी पैक की जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपके साथ बाद में शेयर करूँ, क्योंकि अभी आई नहीं, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो क्लेम रेंज होने वाली कंपनी तरफ से डेट इज 400 किलोमीटर पर चार्ज। सो दोस्तों, महिंद्रा की तरफ से थार ये इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन आ चुका है मार्केट में, एंड देखा जाए तो 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड है इंडिया के अंदर लॉन्च होने में, और ये फिलहाल इसका डेब्यू हुआ है। तो फिलहाल इसका डेब्यू हुआ है अभी केप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर। 5-door आइटरेशन यहाँ मिलने वाली है हमें, और ये सेम टू सेम करंट मॉडल जो चल रहा है अभी महिंद्रा की तरफ से, डेट इज़ अ इंजन कंबशन वेरियंट। तो दोस्तों उसके प्लेटफॉर्म पर ये बना है, एंड देखा जाए तो वो ईवी नहीं है। अगर बात करते हैं कार के डायमेंशंस की, तो सेम चीज़ें मिलने वाली, ज़्यादातर सेम स्क्वायर शेप मिलने वाले का विद LED डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड 3 LED बार्स। थार ही ब्रांडिंग ऑन द ग्रिल, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगी गाड़ी, भी बेहतरीन लगेगी क्योंकि थार की ब्रांडिंग भी होगी फ्रंट में और DRLs भी चलेंगे। तो DRLs के से लुक तो अलग ही आती है, एंड प्रिटेंड करते हैं इमेज के साथ। तो यहाँ पर हमें फ्रंट में यहाँ पर हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, तो थोड़े से आउटस्टैंडिंग लगेंगे, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो व्हील आर्क है वो भी यहाँ पर हमें चेंज मिलेगा, एंड जो बम्पर है वो भी थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में आने वाला है। फ्रंट डैशबोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर शेप टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा विद डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टेयरिंग व्हील है वो 2-spoke ऑक्टागन में मिलेगा, और ये भी कॉन्सेप्ट वर्जन ही है। तो देखा जाएगा कि अभी ये प्लेटफॉर्म पर जब आएगी मार्केट में, उससे जब रेडी हो जाएगी प्लेटफॉर्म के लिए, तब ये कैसे लगने वाली है तब मैं डिटेल आपको दूंगा। अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। एंड और बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड रेयर बेन सीट्स की, तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेइंग स्क्वायर पैटर्न मिल जाता है। और इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर फ्रंट सीट में हमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाता है, एंड रेयर पैसेंजर्स के लिए रूफ माउंटेड हेडरेस्ट मिल जाता है। और अगर कार को साइड से देखा जाए दोस्तों, तो भाई डिफेंडर का ही लुक लग रहा है कम्प्लीटली। देखा जाए डिफेंडर भी खड़ी कर दो, ये भी खड़ी कर दो, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी तो दोनों कार के अंदर है ही है। अगर पावर ट्रेन्स की बात करते हैं तो करंटली अभी देखा जाए तो लार्जर बैटरी पैक के साथ ये हमें क्लेम कर रही है बैटरी रेंज, इसकी एक्सीड हो रही है 400 किलोमीटर तक। तो 400 किलोमीटर तक कार जाने वाली है, देखते हैं ऑन रोड कितना जाती है। एंड इसका जो इलेक्ट्रिक सेटअप है डैट इज़ डुअल मोटर सेटअप, जो कि 4-wheel ड्राइव को एक्यूब कर सकता है एज स्टैंडर्ड वेरियंट। 4-wheel ड्राइव यहाँ मिलेगी तो वही जनरली ये बड़ी ऑफ रोड होने वाली है आने वाले टाइम के साथ, जैसे कि पॉल्यूशन भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब ज़्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे, और बैटरी में आप कहीं तक भी जा सकते हो। 400 किलोमीटर चार्ज तो है इसका। तो जैसे ही इसके राइवल की बात करते हो, तो जैसे ही मारुति सुजुकी जिम्नी भी मार्केट में आने वाली है ईवी वेरिएंट में, तो उसका प्रोडक्शन अभी लॉक्ड है पर रोड पे जाने के लिए रेडी है। तो ये इसका एक अपकमिंग राइवल होने वाला है। और राइवल अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई देख नहीं रहा है, लेकिन XUV 400 इसका राइवल हो सकती है अगर देखा जाए बजट सेगमेंट में और सब चीज़ों में। तो इसका दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ईवी नहीं है कि इसका जो ड्राइवर होने वाला है मार्केट में वो होने वाला है मारुति सुजुकी जिम्नी ईवी। जी दोस्तों, ईवी मारुति लॉन्च करने वाला है जिम्नी के अंदर, वो भी आने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, ये चीज़ जनरली इसकी न्यूज़ आ जाएगी, तो हम देखते हैं कब तक आती है। मैं आपका शेयर जरूर करूँगा। बड़ी न्यूज़ के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन आ रहा है दबा दो, यहीं कहीं आ रहा है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ जिनको थार ईवी में इंटरेस्टेड है। बेसिकली ईवी में अगर वो देख रहे हैं, ईवी भी चाहते हैं और एसयूवी का मजा भी चाहते हैं, तो उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, तो उनके साथ शेयर कर देना दोस्तों, भूलना मत, ठीक है। तो मिलते हैं इस नए वीडियो में दोस्तों, टेक केयर, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।